अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और रहें बाखबर। जो ओरल चीज है वो तो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है? फिर कमिश्नर साहब ये जो आरओ ने रिजल्ट रोके थे, क्या उसमें बेजाबतियां हुई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेजाबतियां तो छोटा लफज है। जो यहां पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-70, 80-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोरे लगा के सबको हरवाया। आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूं और साथ आपको बता रहा हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा, ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे? आपके ऊपर कोई दबाव था, किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है, ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतो, उनको आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका जमीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूं, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूमा है, मुझे वो सोने नहीं देता। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी। उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ शामिल है?